जी अम्मी जी, यही बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, किसी को भी नहीं मालूम, ना अलिजबा को, ना अलीना को, ना बाबा को। जी हाँ, मैंने टिकट उठा लिया जी। अच्छा अम्मी, आपको पैसे मिल चुके हैं? हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। ये अज़र साहब ऑफिस तो नहीं आए होंगे अभी तक? अच्छा, जब वो आएंगे तो उनको कह दिएगा कि मुझे फ़ोन कर दें प्लीज़। नहीं नहीं, वो मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी आज, तो मैं ऑफिस नहीं आ रही। दादी, कल तुम कह रही थी ना कि मैं बहुत चुप चुप रहने लगा हूँ, लेकिन आज तो खूब बोल रहा है। दादी, एक्टर बनना मेरा ख्वाब है और उन्हें मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे अपने अगले ड्रामे में भी चांस दे दिया है। अच्छा सुनो, तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह करके रख लिए फाइल में? यस बॉस, सब कुछ कंप्लीट है। यार पक्का दो हफ्ते लगेंगे ना? हाँ, मुझे तो उन्होंने यही कहा है कि दो हफ्ते लगेंगे, मतलब बड़ा अमाउंट मांगा है हमने, इन्वेस्टिगेशन तो होगी। आई होप कोई ऑब्जेक्शन ना डालते। क्यों फिक्र कर रहे हो, नहीं होगी, टेंशन ना लो। कल वो अजहर मेरे कमरे में आता रात को। अच्छा, बेचारी सामिया की जिंदगी तबाह कर दी इसने। आजकल तो भाई से बात करना ही मुश्किल है। बहुत जल्दी हो गया। क्या ये वो इसका खत है? बेटा, ये असर के कमरे में रखा था। किसी लड़की का खत है क्या? नहीं साहब, अजहर ने लिखा है हम सब के नाम। क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। बाबा, भाई गए, कहाँ? लिखा है अमेरिका गए हैं। देखिए क्यों? पता नहीं, प्लीज। मुझे पता था बस जात वो मेरा खून ही नहीं था, पैसे भी साथ ले गया होगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। कयामत के रोज उसका गिरेबान पकड़ूंगा मैं। पापा प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो गई, प्लीज कमरे में चलें। बुआ, उस खबीस औरत का खबीस बेटा मनु।
नहीं चाहिए मुझे पति, जलील करके रख दिया इस अजहर ने, वही माँ वाली हरकत की है इसने। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अपना हिस्सा दे के निकल लिया, अपनी बहनों को किसके सहारे छोड़ गया, माजूर के। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे या अलिश्पा को सहारे की जरूरत नहीं है। कारोबार का क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा नहीं किया इसने, मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई, कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे। पापा प्लीज ऐसी बातें मत करें, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। ओ जाने दो, अब जीना ही कौन चाहता है। बस मैं मैनेजर साहब को फोन कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लीना बात कर रही हूँ जी, आप आज आ सकते हैं प्लीज़। अच्छा प्लीज़ आप जब भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप आ जाएं, बहुत ज़रूरी बात है जी। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।
पानी पिला दो। बाबा आपको डॉक्टर के पास तो नहीं जाना? नहीं, पानी पिला। हेलो, हेलो जी। हाँ जी साजिद, वो अजहर साहब आए हैं काम पे आज? नहीं वो तो नहीं आए, लेकिन मैनेजर साहब आए थे, कुछ फाइलें वगैरह लेकर गए हैं। आपने उनको घुसने कैसे दिया? खावर साहब की कॉल आई थी इसलिए दरवाजा खोलना पड़ा। ओके ठीक है, जरा मेरे लिए काम करें प्लीज। मेरे दफ्तर में जाइए, दफ्तर पे डेस्क पे एक ब्लू रंग की डायरी रखी है, उसमें से ट्रैवल एजेंट का नंबर निकाल के मुझे दीजिए प्लीज। ट्रैवल एजेंट का नंबर। ओके एक सेकंड। ओके आई एम वेटिंग। जी मैडम लिखिए। हाँ एक सेकंड। हेलो, हेलो, हाँ बताइए। नाइन ज़ीरो एट थ्री। ओके ये वही स्टार ट्रैवल बंदा है ना? वही ट्रैवल एजेंट आर यू शो? ओके ऑलराइट। ओके ओके थैंक यू साजिद। ओके क्या हुआ दादी, ये रोना धोना क्यों मचा हुआ है? गजब हो गया। अब क्या हुआ? किसी से कहना नहीं, असर सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका चला गया। कौन अपना असर? वो जो यहाँ रहता था लंबा सा आदमी, वो चला गया? हाँ हाँ असर, मतलब बताओ आजकल की औलाद का खून सफेद हो गया, बुढ़ा बाप तन्हा रह गया। तन्हा क्यों, दादी मुन्नू है ना उसके पास, कावर के पास। तू क्या कर सकता है जाहिल कमार? मैट्रिक पास आदमी जाहिल नहीं होता, और वैसे भी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, टीवी पर आता हूँ मैं। अरे हमें तो खुद साहब की परेशानी है। मुझे भी, क्या बात करूँ जाके खावर से? कुछ नहीं यहीं खड़ा रह तू। दादी उसको मेरी ज़रूरत है। मैं तो उससे कह रही हूँ कि चुपचाप यहीं खड़ा रह। अच्छा ना। हाँ कलीम, अजहर साहब का टिकट तुमने करवाया था? कहाँ गए? वाशिंगटन? वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया उन्होंने? अच्छा टिकट कब लिया था? ठीक है, हाँ हाँ खावर साहब ठीक हैं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। तो कलीम से कराया इसने टिकट? जी सर, 20 दिन पहले बुकिंग करवाई उन्होंने। अंकल मुझे पैसों का बताएं, पैसे कहाँ थे? पैसे सारे कंपनी के अकाउंट में, अजहर साहब ने बहुत ईमानदारी के साथ 1/3 हिस्सा अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया था, और शायद कुछ पैसे पहले के होंगे उनके। कितने हैं ये पैसे? ये कोई 3.5 करोड़। जी मुझसे मांग ले तो मैं कुछ मना थोड़ी कर देता, लेकिन एक मसला है सर। क्या? शायद वो गजल लड़की है, उसके शायद पैसे उन्होंने अब तक वापस नहीं किए। क्या मतलब? मतलब ये कि
مجھے نہیں معلوم کہ اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے. غزل نے اظہر صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپئے جمع کروائے تھے. اتنا سب کچھ ہو رہا تھا اور آپ نے بتایا نہیں. سر میں آپ کی طبیعت کی وجہ سے خاموش تھا, سوچا تھا بتاؤں گا جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی, لیکن اس سے پہلے مجھے اظہر صاحب نے نکال دیا, پھر آپ نے کچھ پوچھا بھی نہیں میرے بارے میں. کیا کہتا میں, تو کمپنی اس کے نام کر چکا تھا. سر وہ کمپنی اب بھی آپ کے نام ہے. کیا مطلب, اتن نے وہ پاور آف اٹارنی استعمال نہیں کی؟ بھائی نے یہ سب کیوں کیا؟ سر ایک بات اور ہے سر, اظہر صاحب نے ایک امریکن اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپئے ڈلوائے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ سر وہ اکاؤنٹ کم از کم ان کے نام تو نہیں ہے. تو آپ ہیں غزل؟ جی میں لینا ہوں. پتہ ہے مجھے. یہاں اس طرح آنے کا مطلب؟ اظہر کہاں ہے؟ وہ اب اس ملک میں نہیں ہے. بھائی نے تو دل ہی توڑ دیا بوا, یہاں کوئی رشتہ بھروسے کے قابل نہیں ہے. کوئی رشتہ ہے تو پیسے کا, ماں باپ, بہن بھائی, سب رشتے فضول ہیں. میں نے کھانا کھانا. ارے ایسے کیسے نہیں کھانا, کھانا کھانا ضروری ہے نا بابا. میں کہا میں نے نہیں کھانا کھانا. لیکن میں تو آپ کو کھانا کھلا کے ہی جاؤں گی. تم ٹال جاؤ سر. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا جب بھی موڈ ہو آپ مجھے بتا دیں, میں یہیں بیٹھی ہوئی ہوں, پھر میں کھلا دوں گی آپ کو. ٹھیک ہے. تم بہت ضدی ہو گئی ہو. سبھی ضدی ہیں اس گھر میں.